कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा पिंकी सिंपल लाइफस्टाइल चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और उधर सुबह सुबह बिल्कुल स्कूल चला ही गया है और उसका पापा भी कल घर चले गए हैं क्योंकि गांव में किसी काम से गए हैं, तो आज आने वाले हैं। तो अभी ड्यूटी है 2 बजे से। और फिर से विपुल का स्कूल से बुलावा आया है, तो कार्ड मिला है, इनविटेशन कार्ड। तो कल स्पोर्ट है शायद उन लोग का स्कूल में, तो ही बुलाए हैं पेरेंट्स लोग को। तो कल फिर स्कूल जाएंगे, तो विपुल भी इसमें भाग लिया है पीटी में। तो जितना सारा स्कूल में स्टूडेंट है सबको शायद करना है, तो 1 से 5 तो करना है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, लेकिन 6 क्लास से ऊपर का स्टूडेंट सबको भाग लेना है। तो ये भी लिया है भाग। तो कल 2 बजे से बुलाए हैं, तो कार्ड में 2 बजे से लिखा हुआ है, तो पहले ही थोड़ा जाएंगे क्योंकि विपुल को वहाँ पहुँचाना है पहले ही। और पता नहीं, कार्ड में लिखा नहीं हुआ है कितना बजे ख़त्म होने वाला है। 9 बज रहा है सुबह का, तो चलिए आगे आगे देखते रहिए आप लोग। घर नाश्ता वास्ता सब कुछ बनाया हुआ हो गया है मेरा, तो आज रोटी बनाए हैं और भुजिया। यहाँ पे एक प्लेट में बैगन है एक साइड में और एक साइड में सीम है, तो दोनों हम बना लिए हैं। तो बैगन सबको हम पतला पतला करके काट लिए हैं क्योंकि इसको फ्राई करेंगे। सीम सबको भी फ्राई कर लेंगे, और कल का उधर फिश रखा हुआ है फ्राई किया हुआ, तो वही सब बनाएंगे आज। और ये देखिए यहाँ पे बकेट में हम पानी ले लिए हैं, अब ये सबको धो लेते हैं बैगन और सीम सबको। तो दोनों को अलग अलग फ्राई करेंगे। तो सीम सब का फ्राई किया हुआ हम कभी खाए नहीं है, पता नहीं कैसा लगता है। तो आज पहली बार हम फ्राई करने वाले हैं सीम सब का, तो जब भी सीम का हम सब्जी ही बनाए हैं, कभी फ्राई करके नहीं खाए हैं। तो चलिए आज बना ही लेते हैं और खा ही लेते हैं, देख भी लेते हैं कैसा लगता है। शायद अच्छा ही लगता होगा क्योंकि बहुत कोई फ्राई करके खाते हैं। धोया हुआ हो ही गया है हमारा, ये देखिए बैगन और सीम। तो ये देखिए एक कटोरा में फिश सब है, तो 4 पीस है इसमें। और बाहर इतना हवा चल रहा है कि पूछिए मत। ये देखिए चूल्हा सब हवा से बार बार ये हो रहा है, वो देखिए। और उधर हम हंडी में ये देखिए चावल चढ़ा दिए हैं। इधर ये देखिए बैगन में हम हल्दी और नमक डाल दिए हैं, इसको अच्छा से मिला लेते हैं बैगन में हल्दी नमक को, उसके बाद फ्राई करेंगे। तो अभी सीम तो फ्राई किया हुआ नहीं हुआ है, सीम तो फ्राई किया हुआ हो जाएगा, उसके बाद हम बैगन तो फ्राई कर लेंगे, उसके बाद मछली बनाएंगे। मिलाया हुआ हो ही गया है ये देखिए, तो हाथ धो लेते हैं हम। तो ये देखिए सीम तो आधा फ्राई हो गया है और अभी भी थोड़ा सा बाकी है फ्राई होने के लिए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इधर ये देखिए कटोरा में हम थोड़ा सा वाइट वाला सरसों ले लिए हैं मछली बनाने के लिए। और इधर ये देखिए थोड़ा सा अदरक है छोटा सा, ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि 4 पीस मछली है, तो फिर छोटा सा ही ले लिए हैं। और इधर एक टमाटर ले लिए हैं, प्याज ले लिए हैं, और इधर लहसुन है। मिर्ची घर में ख़त्म हो गया है एकदम, आज बिना मिर्ची से ही बनाना पड़ेगा। तो ये सब अभी हम काट लेंगे। ये सीम सब फ्राई किया हुआ हो ही गया है, तो हम उतार के एक कटोरा में हम रख दिए हैं ये देखिए। उधर हम फिर से तसला में तेल डाल दिए हैं बैगन फ्राई करने के लिए। बैगन सब भी हम डाल दिए हैं, और देखिए तो और एक बार होगा। हाँ ये देखिए प्लेट में और 4-5 पीस है। इधर चावल को भी थोड़ा देख लेते हैं, तो अभी भी नहीं हुआ है ये देखिए।
भी फ्राई किया हुआ हो ही गया है। ये हम छत पे जा रहे हैं क्योंकि कल का कपड़ा है, तो वही सब थोड़ा पलट देंगे, सूखेगा अच्छा से, नहीं सूखा है वो सब। तो चलिए आप लोग भी और वो देखिए उधर मैदान में बच्चा लोग खेल रहा है। तो आज भी कल जैसा ही धूप बहुत अच्छा से ही निकल गया है, लेकिन हवा चल रहा है, बहुत ही हवा चल रहा है। तो इधर ये देखिए सारा कपड़ा सब हम पलट दिए हैं, अच्छा से नहीं सूखा है वो सब सूख जाएगा। अभी नीचे जा रहे हैं और स्टैंड भी हम लेके आए थे छत पे, तो अभी ले जा रहे हैं देखिए। और उधर विपुल के पापा जी अभी तक नहीं आए हैं गांव से, पता नहीं कब आएंगे, ड्यूटी भी है अभी 2 बजे से। स्कूल स्कूल से आ गया, तो आज सैटरडे है इसलिए थोड़ा जल्दी ही छुट्टी हो गया है। फ्रेंड्स लोग, यहाँ मछली बनाने के लिए हम मसाला भून रहे थे, तो अभी मसाला हम डाल दिए हैं प्याज टमाटर भूनने के बाद। अब इसमें हम एक प्लेट ढक देते हैं। तो अभी भी मसाला अच्छा से नहीं भुना गया है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए Thank you.
हम खाना वाना खाने के बाद बर्तन सब धो लिए हैं, बाहर में ही हम धोते हैं बर्तन सब। यहाँ रख देते हैं किचन में, बाद में अच्छा से रख लेंगे। लाइट भी नहीं है, काट गया है। फिर से छत पे आ गए हैं और यहाँ पे कपड़ा सब है, बिल्कुल का ड्रेस सब है, तो कल ये सब पहन के जाना है उसका स्कूल, इसलिए धो दिए हैं। और उधर बैग भी धो दिए हैं, वो देखिए यहाँ पे अच्छा से नहीं सूखा है अभी भी। तो ये कपड़ा सब थोड़ा सा पलट देते हैं। देखिए इधर विपुल है, तो आज हम इसको नहला दिए हैं अच्छा से, साबुन मावन शैम्पू तैम्पू लगा के। और ये देखिए विपुल का पापा जी गांव से मछली लेके आए हैं, तो ये हम लोग का अपना तालाब का मछली है। ये देखिए, तो ये रुई है दोनों, तो ये देखिए एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है, ये देखिए। तो आज शायद तालाब में पकड़े थे और हाट बेचने ले गए थे, वही लेके आए हैं यहाँ भी, ये देखिए। ये देखिए फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हो ही गए हैं। तो अभी 4:30 बजने जा रहा है, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज का डेट हम बोलने भूल गए थे, तो भी हम बोल ही देते हैं, चलिए। तो आज का डेट है 7 जनवरी और दिन है सैटरडे शनिवार। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, धन्यवाद।